हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, सीयूईटी का जो ऑफिशियल साइट है, ऑफिशियल पोर्टल है, अभी अभी पब्लिक नोटिस प्रोवाइड की गई है। यहाँ आप देख भी सकते हैं, ये ऑफिशियल साइट है जिसपे पब्लिक नोटिस मेंशन कर रहा है। यहाँ फर्स्ट नंबर पे ही मेंशन किया जा रहा है। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो इस पेज पे आप ओपन होकर आ जाएगा, ये पेज ओपन हो जाएगा जिसमें क्लियरली मेंशन किया गया है कि एनटीए हैज़ नाउ रिसीव्ड रिक्वेस्ट फ्रॉम कैंडिडेट टू री शेड्यूल देयर एग्जामिनेशन शेड्यूल्ड ऑन 23 अगस्त 2022 इन व्यू ऑफ अदर एग्जामिनेशन लाइक CBSE कंपार्टमेंट एग्जाम बिगिनिंग फ्रॉम 23 अगस्त 2022। यानी कि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका CBSE कंपार्टमेंट का भी एग्जाम है और CUET का भी कल से एग्जाम स्टार्ट हो रहा है। तो कई सारे बच्चे हैं जिनका दोनों एग्ज़ाम एक साथ लग जाएगा, तो वो दोनों एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, दोनों में से कोई एक ही एग्ज़ाम दे पाएंगे। इस वजह से उन्होंने NTA को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई की है, रिक्वेस्ट की है कि जो इनका एग्ज़ाम है 23 को वो रिशेड्यूल कर दिया जाए। तो उन्हीं बच्चों के लिए, उन्हीं स्टूडेंट के लिए इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है और साथ ही साथ सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किया गया है कि आपको करना क्या है। जो भी आपकी प्रॉब्लम है, आपको CUET UG डेट क्लास एट द रेट NTA.ac.in, ये आपकी ईमेल आईडी प्रोवाइड की गई है NTA की तरफ से। इस ईमेल आईडी पर आपको सारी प्रॉब्लम्स आपको अपनी शेयर कर देनी है, साथ ही साथ आपको एप्लीकेशन नंबर भी सेंड करना है इस ईमेल आईडी पर। फिर उसके बाद आपको NTA की तरफ से ईमेल प्रोवाइड की जाएगी कि आपका जो एग्ज़ाम है वो रिशेड्यूल होगा या नहीं होगा, अगर होता है तो किस डेट को किया जाएगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है गाइस। अगर आप भी ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका CBSE कंपार्टमेंट का भी एग्ज़ाम है और CUET का भी एग्ज़ाम सेम डे पर पड़ रहा है, तो आप इस ईमेल आईडी पर अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं विद एप्लीकेशन नंबर। तो यही इन्फॉर्मेशन CUET की तरफ से प्रोवाइड की गई, यानी NTA की तरफ से पब्लिक नोटिस प्रोवाइड की गई है, जो मैंने आपको बता दी है। अगर आप खुद चेक करना चाहें तो आप CUET.samarth.ac.in गूगल क्रोम पे सर्च कीजिएगा, ये पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। पहला ही लिंक प्रोवाइड किया गया है और इस पर क्लिक करके आप पूरी पब्लिक नोटिस जो प्रोवाइड की गई है NTA की तरफ से, उसे आप रीड कर सकते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन है, आगे जो भी इन्फॉर्मेशन होगी मैं आपको क्लियरली बता दूंगी। थैंक यू।